हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमनु आईएएस। फ्रेंड्स, आज है 1st ऑफ मे। एवरी ईयर 1st ऑफ मे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज लेबर डे। इसके कुछ अदर नेम भी हैं, फॉर एग्जांपल वर्कर्स डे, मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस, कामगार दिवस एटसेट्रा। चलिए, नाम जो भी हो, इसका मेन पर्पज़ होता है जो हमारे वर्कर्स हैं, डेली वेज अर्नर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी ग्रीवेंसेस को सरफेस पर लाना, गवर्नमेंट्स को बताना और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। एवरी ईयर हमारे वर्कर्स को बड़े बड़े ड्रीम दिखाए जाते हैं कि लाइक उनकी कंडीशन ठीक होगी, उनकी वेजेस को बढ़ाया जाएगा। बट अगर हम क्वेश्चन करें क्या उनकी कंडीशन ठीक हुई है, तो आंसर होगा नो। अगर रिफॉर्म हुए भी हैं तो वो बहुत कम हैं एंड बहुत स्लो हैं। कोरोना क्राइसिस के टाइम पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट अगर इंडिया में किसी सेक्शन पर पड़ा है तो वो है वर्कर सेक्शन। फ्रेंड्स, हमारे वर्कर्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जा रहे हैं, उनके अर्निंग्स खत्म हो चुकी हैं, उसके बाद ही वो शिकायत नहीं कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज का दिन है उनको सैल्यूट करने का, उनके कंट्रीब्यूशन को सैल्यूट करने का और हो सके तो उनकी हेल्प करने का। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है इंटरनेशनल लेबर डे। हमारा मेन फोकस इस पर होगा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हमारा मतलब है कि ये वाय क्यों मनाते हैं हम 1st ऑफ मे को लेबर डे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडिया में फर्स्ट टाइम लेबर डे कब सेलिब्रेट किया गया, और जो सेकेंड पार्ट है वो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो वर्कर्स की बात करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं और ये समझते हैं कि 1st ऑफ मे को हम एवरी ईयर लेबर डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। इसको समझने के लिए हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को समझना पड़ेगा। 1750 में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर हैंड टूल्स की जगह अब प्रोडक्शन बड़ी बड़ी मशीन से होने लगा, और इन मशीन्स को ऑपरेट करने वाले लोगों को हमने बोला वर्कर्स। धीरे धीरे ब्रिटेन से निकलकर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में फैल गया। वर्कर्स के नंबर बढ़ने लगे, बट उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही ग्रीवेंसेस थी। उनको डेली 15-16 आवर्स से डे वर्क करना पड़ता था, उनकी वेजेस बहुत कम थी। सेम प्रॉब्लम अमेरिका में चल रही थी। तो आइए अब अमेरिका को डिस्कस करते हैं। अमेरिका में जो वर्कर्स हैं उनको 15-16 आवर्स से डे वर्क करना पड़ रहा था, वेजेस भी कम थी। देन अमेरिका में 1880s के आसपास ये डिमांड आती है कि हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं उनको कम करिए। अमेरिका में कुछ ट्रेड यूनियंस भी बन चुकी थी। इसी टाइप की एक ट्रेड यूनियन है, वो उसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड्स एंड लेबर यूनियंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट। ओके, तो यहाँ पर ये डिसाइड करती है ये ऑर्गेनाइजेशन कि 1886 फर्स्ट ऑफ मे को एक एजिटेशन होगा, और जिसमें डिमांड की जाएगी 8 आवर्स ए डे की। अब क्या होता है, 1st ऑफ मे 1886 को एजिटेशन स्टार्ट होता है। ओके, वर्कर्स जो हैं रोड पर आ जाते हैं, और शिकागो में अबाउट 40,000 पीपल रोड पर आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। पहले ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, ये जो एजिटेशन चल रहा था, ये पीसफुल वे में चल रहा था। बट अब एक इंसिडेंट हुआ, उसको समझिए। देन क्या होता है, शिकागो में एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम था मैककॉर्मिक हार्वेस्टिंग मशीन कंपनी। इस कंपनी ने काम बंद नहीं किया था और यहाँ पर स्ट्राइक नहीं हुई थी। तो जो बंदे हड़ताल पर थे वो इस कंपनी में एंट्री करने का ट्राई करते हैं और इस कंपनी में काम बंद कराने का ट्राई करते हैं। देन पुलिस यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है और कुछ वर्कर्स की पिटाई यहाँ पर होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे क्या होता है, 4th ऑफ मे। 4th ऑफ मे को एक इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट को आपको याद रखना है। इस इंसिडेंट का नाम था हे मार्केट इंसिडेंट। क्या था इंसिडेंट, इस दिन जब पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही थी, उस टाइम पर भीड़ में से किसी बंदे ने एक बॉम्ब निकालकर पुलिस के ऊपर फेंक दिया। इस बॉम्ब अटैक में 7 पुलिस ऑफिसर्स मारे जाते हैं और 4 सिविलियंस मारे जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद अब पुलिस ने एक्शन लिया और बहुत सारे बंदों को पकड़ा, उनके ऊपर केस चलाया गया और उनको हैंग कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट आगे क्या होता है, 1889 में सेकंड इंटरनेशनल होती है। इंटरनेशनल, सेकंड इंटरनेशनल क्या है ये आप समझिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन होती थी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो बंदे होते हैं उनकी। ओके, तो सेकंड इंटरनेशनल होती है 1889 में, और सेकंड इंटरनेशनल में एक बंदा है, इसका नाम था रेमंड लेविग्ने।
RAYMOND, रेमंड लेविंग ने ये प्रपोजल रखता है कि एवरी ईयर 1 मई को हम सेलिब्रेट करेंगे एज लेबर डे। इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया और उसके बाद एवरी डे हम 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं लेबर डे। बट क्या ये सेलिब्रेशन इंडिया में इस टाइम पर हुआ? तो आपका आंसर होगा नो। इंडिया में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेशन कब हुआ वो हम डिस्कस करते हैं, और प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1917 में जब रशिया में रशियन रेवोल्यूशन हुआ और रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री बन जाता है, उसके बाद इंडिया में एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के जो बंदे थे इनके नंबर्स बढ़ने लगे और इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट जो है जोर पकड़ता है। उसके बाद क्या होता है, 1923 1 मई 1923 एक पार्टी इंडिया में बनती है। इस पार्टी का नाम था लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान। ये पार्टी बनी थी मद्रास में और उसके फाउंडर थे सिंगारवेलु चेटियार। जिस दिन ये पार्टी बनी थी सेम डे हमने सेलिब्रेट किया था लेबर डे 1 मई को। एक्चुअली में जो सेलिब्रेशन हुआ था ये किसने सेलिब्रेट किया था, ये किया था लेबर पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने। तो इसके बाद एवरी ईयर हम 1 मई को सेलिब्रेट करने लगे एज लेबर डे। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका बैकग्राउंड था जब इंडिया में हमने इसको सेलिब्रेट किया था। सेकेंड थिंग आपको याद रखनी है, 1 मई को वर्ल्ड के सारे कंट्री लेबर डे सेलिब्रेट नहीं करते हैं। कुछ कंट्रीज में ये सितंबर में और कुछ कंट्रीज में अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ILO की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे वर्ल्ड में ये रियलाइज किया जाने लगा कि अब वॉर को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो पीस मेंटेन कर सके। देन एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लीग ऑफ नेशंस। इस लीग ऑफ नेशंस के अंडर में ILO, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको बनाया गया। ये ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स की बात करती थी, उनकी पेंशन की बात करती थी, ओल्ड एज पेंशन की ये बात करती है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। अब क्या होता है, बाद में जो लीग ऑफ नेशंस है उसको ख़त्म कर दिया गया, उसकी जगह क्या बन जाता है, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ILO को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना दिया गया। तो आपको याद रखना है ILO लीग ऑफ नेशंस का भी पार्ट है और उसका भी पार्ट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। प्रेजेंट में ILO के मेंबर हैं 187 और उसका हेड क्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसका मेन वर्क है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन में चेंज लाना। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो हमारे कंट्रीज हैं उनकी गवर्नमेंट्स के साथ वर्क करना, वर्कर्स को इक्विटी आपका जो है प्रोवाइड करना, उनके जो है वर्किंग आवर्स आवर्स को देखना, तो ये सारा वर्क जो है ILO करती है। फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं आज के, बट एक ओथ हम लेते हैं कि हम किसी भी वर्क को, ठीक है, छोटा नहीं मानेंगे, किसी भी बंदे को अपने से कम नहीं मानेंगे, इन्फीरियर नहीं मानेंगे, सबको हम रेस्पेक्ट देंगे। बिकॉज जो सारे वर्क हैं वो कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन होता है एक कंट्री के, आप कह सकते हैं, निर्माण में। एक कंट्री को बनाने में। तो इसके साथ हम आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पूरा फोकस रखिए प्रीलिम्स के ऊपर और ये आपको इस बार क्लियर करना है। एक बात हमेशा याद रखना, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, अपने माइंड को कभी मत हारने देना। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, आप कर सकते हैं, सबके पास सेम माइंड होता है। तो इसके साथ मैं आज का टॉपिक खत्म करता हूँ, आज का लेक्चर खत्म करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक।